बिग बॉस OTT3 के पहले वीकेंड के वार एपिसोड में शो के होस्ट अनिल कपूर को सभी कंटेस्टेंट्स की जमकर क्लास लगाते हुए देखा गया। घर में हो रहे जबरदस्त कलेश और बिना बात के अकड़ दिखाने पर अनिल कपूर ने कंटेस्टेंट्स को जमकर लथार भी लगाई। एपिसोड के शुरुआत में एक्टर को सबकी तारीफ करते हुए देखा गया, जिसके बाद सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं। वहीं जब वो कहते हैं कि कुछ लोग शो में सिर्फ तमाशा करने आए हैं, तो कुछ खुद के नहीं बल्कि अपने फॉलोअर्स के दम पर ट्रॉफी जीतना चाहते हैं, जिसके बाद सभी के चेहरे का रंग बिल्कुल बदल जाता है। वहीं पायल मलिक बिग बॉस OTT3 से एविक्ट होने वाली दूसरी कंटेस्टेंट्स हैं। दरअसल बिग बॉस से बाहर आते ही अब पायल मलिक ने अपने और अरमान के रिश्ते को लेकर खुलासा किया है, जिसको सुनते ही फैंस भी शॉक्ड में आ गए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या बोला है उन्होंने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ रूम पोस्ट में, मैं हूँ आपके साथ रखने से। पायल मलिक ने एक इंटरव्यू में बताया कि हमारे फैंस को पता होगा कि हमने कभी भी एक से ज़्यादा शादी करने की बात को सपोर्ट नहीं किया, चाहे वो हमारे ब्लॉग्स हो या फिर इंटरव्यू, हमने कभी भी इसका प्रचार नहीं किया। अरमान ने जो भी गलती की, मुझे नहीं लगता कि भारत में किसी भी आदमी को ऐसा करना चाहिए। हम इस रिश्ते को बनाए रखने में कामयाब रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई और ऐसा कर सकता है। मुझे लगता है कि एक महिला के लिए इससे बड़ा दर्द और कुछ नहीं हो सकता। उसका पति किसी दूसरी महिला को अपने घर ले जाए, मुझे नहीं लगता कि कोई और इसे सहन कर सकता है। जब उनसे पूछा गया कि वो कैसे इस दौर से गुजरी, तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ मैं निश्चित रूप से सबसे अधिक प्रभावित हुई थी, लेकिन ये हम में से किसी एक के लिए भी आसान नहीं था। मैं अरमान जी के बिना नहीं रह सकती थी और ना ही कृतिका। दूसरी ओर वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ सकते थे। जब उनसे दूसरी शादी कर ली तो मैं बहुत दुखी थी और उससे अलग हो गई। मैं अपने बेटे के साथ एक साल से ज़्यादा समय तक दूर रही और कई मुश्किलों का सामना भी किया। तब मैं वापस आई और हमने अपने मुद्दों को सुलझाने का फैसला किया। आज शुक्र है कि हम एक परिवार के रूप में शांति से रह रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ हमें कभी अलग कर सकती है। पायल मलिक ने हाल ही में एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि कैसे अरमान मलिक ने अपनी दूसरी शादी के लिए कभी इस्लाम धर्म नहीं अपनाया। जैसे कि बताया गया है, जब उन्हें बताया गया था कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक से ज़्यादा लीगल पार्टनर की इजाज़त नहीं देता, तो उन्होंने कहा कि मैं उनकी कानूनी पत्नी हूँ। कृतिका और अरमान जी की शादी कानूनी नहीं है। हालांकि जहां तक मुझे पता है, अगर पहली पत्नी को अपने पति के दोबारा शादी करने से कोई समस्या नहीं है, तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।